सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियों को लेकर सपा और भाजपा में संग्राम छिड़ गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी के मामले में रविवार को सपा मीडिया सेल के हेड मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद सपा ने अखिलेश यादव और डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा की ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी के लिए मोर्चा खोल दिया है। हमारी तो छोटी बहन रहेंगी, उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां की। सांसद जो कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, सांसद डिंपल यादव जी के बारे में जवाब मैंने भी दिया है उनका, और उन्होंने भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने भी मेरे परिवार को खींच लिया है। ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए अभद्र टिप्पणियों पर जारी सियासत पर सपा मुख्यालय में बड़ी बैठक हुई है। बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। आज उन्होंने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, चूंकि कल हंगामा हुआ था गिरफ्तारी को लेकर, सपा सोशल मीडिया सेल के हेड की गिरफ्तारी को लेकर बवाल हुआ था, विरोध प्रदर्शन किया। मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी और सोशल मीडिया पर सपा नेताओं के खिलाफ असभ्य भाषा का इस्तेमाल करने वाली, ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे, अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ऋचा राजपूत को लेकर सपा भाजपा पर हमलावर है, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार किया है। एक तरफा कार्रवाई नहीं हो रही है, हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से इस तरह का कुछ नहीं है। साफ है कि सपा और भाजपा के बीच जारी सोशल संग्राम अभी थमने वाला नहीं है। देखिए, ट्विटर के जरिए एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणी पर जारी सियासी टकराव के बीच महिला सम्मान का मुद्दा बड़ा हो गया है। सपा की तरफ से महिला नेताओं ने भाजपा के खिलाफ हल्ला बोला। भाजपा नेता ऋचा राजपूत की ओर से डिंपल यादव, उनकी बेटी अदिति यादव, अखिलेश यादव पर अभद्र ट्वीट्स को लेकर सपा की महिला नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। और जो ये हो रहा है ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर रोक लगनी चाहिए। और मुझे मेरा आग्रह है सरकार से कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, जो भी दोषी है। डिंपल यादव पर ऋचा राजपूत के ट्वीट्स को सपा ने महिला सम्मान का मुद्दा बना दिया है। वही भारतीय जनता पार्टी है जो बेटियों के सम्मान की बात करती है और किसी घर की बेटी और बहू और बेटी के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करेंगी। अभद्र टिप्पणी को लेकर सपा और भाजपा में छिड़े संग्राम पर कांग्रेस ने सपा और भाजपा दोनों पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक ने सपा और भाजपा के चरित्र पर ही सवाल उठा दिए। जिस भाजपा नेत्री ने अमर्यादित टिप्पणी करी है उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। विधायक आराधना मिश्रा ने दोनों पार्टियों के नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। प्रत्यक्षम प्रमाणम, अगर उनके लिए कानून सबके लिए एक है तो एक जैसी कार्रवाई दोनों तरफ होनी चाहिए। अभद्र टिप्पणियों को लेकर सपा और भाजपा लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अब इस विवाद में कांग्रेस की एंट्री ने सियासत को नई दिशा दे दी है। सोशल मीडिया पर बीजेपी और सपा के बीच हुआ अपशब्दों वाला ट्विटर वॉर अब राजनीतिक महाभारत की शक्ल लेता जा रहा है, क्योंकि इस मामले में अब तक मौन रहे शिवपाल यादव की भी एंट्री हो गई है, जिन्होंने भाजपा को वही चेतावनी दे दी है जो महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने शिवपाल को दी थी। शिवपाल यादव ने कहा है कि वो भाजपा की 99 गलतियां बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद नहीं। हम 99 बार तक देख रहे हैं, 99 बार, और 99 जैसी बार होगा वैसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर सपा के मनीष जगन और भाजपा की ऋचा राजपूत के बीच हुए आपत्तिजनक ट्विटर के मामले पर बोलते हुए शिवपाल यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया और कहा कि भाजपा राजनीति की स्वस्थ परंपराओं को खत्म कर रही है। राजनीति में स्वस्थ परंपराएं होती हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ परंपराओं को खत्म कर रही है। दरअसल सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल के अभद्र ट्वीट्स के बाद, मनीष जगन की गिरफ्तारी के बाद सपा की तरफ से भी भाजपा की ऋचा राजपूत के कुछ जवाबी ट्वीट शेयर किए गए हैं, जिसमें ऋचा राजपूत पर भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग का आरोप है और उनमें से कुछ ट्वीट्स में शिवपाल यादव का भी जिक्र है। इसी के बाद सपा ने ऋचा राजपूत के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी है। और देखिए, लखनऊ की कमिश्नरेट पुलिस को दबंग लगातार चुनौती दे रहे हैं। नशे में धुत दबंगों के नए कारनामे से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रिहायशी इलाके में धड़कती कार राजधानी की कानून व्यवस्था को बड़ी चुनौती है, जो खाकी पर सवाल खड़े करती है और बेखौफ दबंगों की दहशत को बढ़ावा दे रही है। लखनऊ के गोमती नगर में विशालखंड 2 इलाके की घटना पुलिस पर सवाल खड़े करती है। आरोप है कि यहां मेजर की शिकायत करने से नाराज दबंगों ने देर रात घर के बाहर खड़ी कार को आग के हवाले कर दिया। वहां से मैं चला आया, जब पुलिस ने मामला खत्म करा दिया, म्यूजिक बंद हो गया, उसके 1 घंटे बाद रात में 3 बजे खिड़की तोड़ी गई और मुझे शीशा टूटने की आवाज आई, बाहर निकला तो गाड़ी जल रही थी। पीड़ित मेजर की माने तो देर रात मिलानो एंड कैफे नाम के होटल में तेज आवाज में डीजे का विरोध किया था, लेकिन न तो दबंगों ने बात मानी और पुलिस से शिकायत करने पर घर में तोड़फोड़ की, साथ ही गाड़ी को जलाकर राख कर दिया। अब पीड़ित की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए थाना गोमती नगर ने एक FIR पंजीकृत करी
इसमें टीम बनाकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है, जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। राजधानी के रिहायशी इलाके में इस घटना ने पुलिसिंग पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना होगा कि लखनऊ पुलिस ऐसे दबंगों को कब तक सबक सिखा पाएगी। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।